फंजाई के टॉपिक को हम पढ़े थे, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के बारे में कहा जाता है कि दो तरह की रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाई जाती है, वही दो मेन टाइप्स जो हम आमतौर पे बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने कहा कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं फंजाई में वो दो हैं, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों को हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम एसेक्सुअल को देख लेते हैं। एसेक्सुअल जो है वो निस्बतन सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिकली, और वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, वो स्पोर्स भी हो सकते हैं या कॉनिडिया के फॉर्म में हो सकते हैं या फ्रेगमेंटेशन हो सकती है या फिर बडिंग हो सकती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन तमाम फॉर्म्स को भी हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पोर्स को। पहली फॉर्म हमारे पास है स्पोर्स। स्पोर्स क्या चीज़ है? स्पोर्स जो हैं बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं खास ऑर्गन में जो कहलाता है स्पोरेंजिया। ठीक है, फंजाई के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाएगा और स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया बेसिकली फंजाई के हाइफी से के का ही एक पार्ट होता है और हाइफी से कट हुआ हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ अ सेप्टा। ठीक है, इट इज कट ऑफ फ्रॉम हाइफी विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। सप्टा की मदद से ये हाइफी से अलग हुआ हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, स्पोर जो है वो किस तरह से बनते हैं? स्पोर्स बनने का जो अमल है वो सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन जो है, तो ये हमने कहा क्या है, या तो ये सेक्सुअल भी हो सकता है, इसके अलावा ये एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब स्पोर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि स्पोर्स किस तरह के होते हैं। एक तो ये कि स्पोर जो है वो हम कहते हैं कि वो हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं। इसके अलावा स्पोर जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ख़ुद से मूव नहीं कर सकते या ना ही इनके ऊपर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ये मूव करें। ठीक है, और स्पोर्स को पानी वगैरह नहीं चाहिए होता, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस एज सच नहीं चाहिए होता स्प्रेड करने के लिए। दे डोंट नीड वाटर फॉर डिस्पर्सल। ठीक है, नेचुरली ही ये स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्सल है उसको फिर हम अभी देख लेते हैं डिटेल में। अच्छा, स्पोर्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल और बहुत ही लाइट वेट होते हैं, और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, तो यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। एक पौधे से ढेर सारे स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और आमतौर पर ये डिस्पर्स किस तरह से होते हैं? हमने कहा था कि पानी वगैरह नहीं चाहिए होता इसको डिस्पर्सल के लिए। इसका जो डिस्पर्सल का अमल है, डिस्पर्जन का प्रोसेस, वो किस तरह से होता है? वो सिंपल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे डिस्पर्स होके जाते हैं ये स्पोर्स, और वो किस तरह से जाते हैं, या तो कोई स्मॉल इंसेक्ट्स की मदद से। ठीक है, डिस्पर्स होते हैं जब डिस्पर्सल का मतलब ये है कि स्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो स्पोर्स लगे हुए हैं ये स्पोरेंजिया से अलग किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स की मदद से अलग हो सकते हैं, या कोई छोटे छोटे एनिमल्स हो सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स, उनकी मदद से हो सकते हैं, या फिर सिंपल जो है वो एयर की मदद से, हवा चल रही है, विंड जिसे हम कहते हैं, विंड की मदद से हो सकता है, या फिर रेन स्प्लैशेस, बारिश की जो छींटे इन पर पड़ती हैं उसकी मदद से भी ये जो स्पोर्स हैं ये अलग हो सकते हैं।
ये एक फिगर है मेरे पास, इसके अंदर आप देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये स्पोरेंजिया है, ठीक है। ये गोल 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 स्ट्रक्चर इसे स्पोरेंजिया कहते हैं, और इस गोल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें, यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया गया कि इसके अंदर ढेर सारे ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको स्पोर्स बनते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्पोर्स हैं, और वो स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं, और ये स्पोर जब डिस्पर्स हो जाते हैं फिर कहाँ जाते हैं, फिर ये होता है कि ईच स्पोर, हर स्पोर जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया फंगस बना सके, ठीक है ना, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म इन स्पोर से जर्मिनेट हो सकता है। यहाँ पे आपको स्पोर जर्मिनेशन भी दिखाई जा रही है कि जो ब्लैक सैक डॉट है वो जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, जब सही इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये वहाँ पर जर्मिनेट करने लग जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्पोर फॉर्मेशन को। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारी, जिसे हमने देखा था, स्पोर्स हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमारे पास आ गया कॉनिडिया। कॉनिडिया को देख लेते हैं हम। सेकंड टाइप है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कॉनिडिया। कॉनिडिया जो है ये समवट रिलेटेड टू स्पोर्स ही होता है, स्पोर्स से मिलता जुलता होता है। इसमें ये होता है कि इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि वो दे आर नॉन मोटाइल और एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉनिडिया डिफरेंट किस तरह से है, डिफरेंट इस तरह से है कि जब हमने स्पोर्स की बात की थी तो हमने कहा था कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, जबकि कॉनिडिया के केस में ऐसे होता है कि एक मॉडिफाइड हाइफी होता है हमारे पास, मॉडिफाइड हाइफी, जिसको हम कॉनिडियोफोर भी कहते हैं। कॉनिडियोफोर की मदद से, कॉनिडियोफोर बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जो है वो निस्बतन थोड़े से डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्पोर्स। इनकी जो स्पोर्स हैं जब ये डिस्पर्स होते हैं या अलग होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो या तो चेन्स के फॉर्म में होते हैं या फिर वो क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ये भी नॉर्मल स्पोर्स की तरह ज़्यादा क्वांटिटी में दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि साइज़ छोटा होता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं। और कॉनिडिया के अंदर इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है, वो ये कि कॉनिडिया जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा अरसे तक, ठीक है, यानी कि आमतौर पर कॉनिडिया को कहा जाता है कि दे कैन सर्वाइव इन वीक्स, यू नो, सर्वाइव इन वीक्स। जर्मिनेशन के बगैर कॉनिडिया जो है वो एयर में या लैंड के ऊपर हफ्तों तक सर्वाइव कर सकते हैं, और जैसे कि हमने कहा कि दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होने की वजह से ये बहुत जल्दी अपनी न्यू कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक है, दे कॉज रैपिड कॉलोनाइजेशन। तो ये हमने देख लिया कॉनिडिया, एक डायग्राम बनी हुई है कॉनिडियोफोर्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये क्या है, ये कॉनिडियोफोर है, और इसके ऊपर छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर जो आपको बनते नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये है कॉनिडिया, ठीक है, और ये पीछे क्या है, यहाँ से पीछे का पूरा स्ट्रक्चर ये होगा नॉर्मल हाइफा, ठीक है। तो हाइफा के साथ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉनिडियोफोर, और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो गोल गोल आपको ऐसे 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 वर्ड्स टाइप नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये है कॉनिडिया या स्पोर्स, ठीक है। तो ये हमने कॉनिडिया को देख लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, और वो क्या है, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है, इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट को आपने बैक्टीरिया के टॉपिक में पढ़ा था, कि बैक्टीरिया में जब हम स्पेशली जब साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं तो उसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होती है, हम जानते हैं कि माइसीलियम जो है वो या हाइफी जो है वो लॉन्ग चेन में पाया जाता है, ठीक है, और वो जो लॉन्ग चेन है समटाइम्स वो ब्रेक हो जाती है, इसे हम कहते हैं ब्रेकेज ऑफ माइसीलियम, यानी कि माइसीलियम जो है वो टूट जाता है, और टूटने से जो छोटे छोटे हमारे पास यूनिट्स बनते हैं वो तमाम यूनिट्स इट्सेल्फ एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी कि हम कह रहे हैं कि ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट, हर जो टूटा हुआ उसका हिस्सा होता है वो क्या करता है, वो न्यू माइसीलियम बना लेता है, इस
फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक माइसिलियम था और वो टूट गया, और कहाँ कहाँ से टूटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीजन है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक अलग से माइसिलियम बन जाएगा। इसी तरह ये एक ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये अलग हो गया, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली सेप्टेट हाइफी है जो कि टूट के है, और टूट के अब ये नया अलग से स्ट्रक्चर या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फ्रेगमेंटेशन को। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है बडिंग। बडिंग क्या है, बडिंग हम कहते हैं कि एक किस्म की एसिमेट्रिक डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, एसिमेट्रिक डिवीजन है। और इसके अंदर होता यह है कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनने लगती है, जैसे हम कहते हैं टाइनी आउटग्रोथ। और वो जो आउटग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, ग्रो करती जाती है, और अल्टीमेटली उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि बड बनने का तरीका किस तरह का है, कि सबसे पहले आपको एक नॉर्मल वेजिटेटिव सेल दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि छोटे सी बड यानी कि आउटग्रोथ बनती हुई नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये आउटग्रोथ बन जाती है नॉर्मल सेल के साथ, और वो जो आउटग्रोथ है वो फिर ग्रो करती है। अब यहाँ पे देखिए साइज छोटे है, नेक्स्ट स्टेप में साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली ये होता है कि जो बड़ा साइज है इसके गिर्द अपनी इसकी एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया। अब एक पेरेंट सेल था, इससे हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन गए। यहाँ पर आपको एक रियल इमेज दिखाया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं के बर्ड्स बने हुए हैं, और वो बर्ड्स कहाँ पे हैं, छोटे छोटे आपको ये आउटग्रोथ नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये और ये एक बड़ी आउटग्रोथ है जो कि अब सेपरेशन के करीब है, ठीक है। इसी तरह ये है और ये है, तो ये आप देख सकते हैं कि बर्ड्स बने हुए हैं। तो इसकी मदद से एक से दो और दो से चार, इस तरह से ये जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करता जाता है, या इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती जाती है। तो ये हो गया हमारे पास बडिंग। और इसके साथ ही हमने क्या देख लिया, हमने फोर टाइप्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो देख ली। एक हमने पढ़ा स्पोर्स, कोनिडिया को भी हमने देख लिया, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, और बडिंग को अब देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई के अंदर दो तरह से पाई जा सकती है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि फंजाई की कौन सी टाइप हम पढ़ें, ठीक है। बट नॉर्मली जो कॉमन चीज़ें हैं, या दो कॉमन टाइप्स हैं, वो क्या हैं, एक तो है फ्यूजन, ठीक है, जिसे हम जबान फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो है मियोसिस। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हर फंजाई के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा टाइप बाय टाइप जो है वो डिफरेंस आता जाता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, ये जो फ्यूजन है या फर्टिलाइजेशन है, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम समझें कि ये किस तरह से होती है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते जाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, इसके स्टेप्स हम मेंशन कर देते हैं। इसके अंदर होता ये है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा जो होते हैं वो पहले स्टेप में वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, टू जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा कम टुगेदर, यानी वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद करीब आने के बाद ये होता है कि वो दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने साइटोप्लाज्म को फ्यूज करते हैं, यानी कि उनके जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठे हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो फ्यूज होते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं पॉलीगेमी, नहीं सॉरी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो का वर्ड जो है वो प्लाज्मा से निकला है, हम सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा वो सब चीज़ें हैं जो कि सेल के अंदर हैं। तो प्लाज्मोगेमी क्या है, प्लाज्मोगेमी है कि जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए हुए होते हैं दो सेल्स के आपस में, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर ये होता है कि न्यूक्लियस जो हैं वो दोनों ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज टुगेदर।
और ये जो न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैरियोगेमी। कैरियो का वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से निकला है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो स्टेप्स, अच्छा न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली, वो एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। वो क्यों? क्योंकि अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो उनके अंदर जो उनके जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो एक्सचेंज हो चुके हैं, या आप कह लें कि वो एक किस्म के मिक्स हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे भी टाइप से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। टाइप मीन्स द टाइप ऑफ फंजाई। अगर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई हैं उनमें डिफरेंट तरह के ये जो स्टेप्स हैं डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। और वो किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं? वो इस तरह से कि जब यहाँ पे जो हमने स्टेप पढ़े ना, साइटोप्लाज्म फ्यूज टू गेदर, जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर लेते हैं तो समटाइम्स इस तरह से होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये फ्यूज्ड फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बाद ये अपने नेक्स्ट स्टेप में, ये जो कि कैरियोगेमी का स्टेप है, इसमें नहीं आते, बल्कि वो साइटोप्लाज्म फ्यूज स्टेट में ही रहते हैं और मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ वो इसी तरह गुजारते हैं। अब जब वो फ्यूज स्टेट में, अब होगा क्या कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं और उनका साइटोप्लाज्म जो है वो भी फ्यूज हुआ हुआ है, लेकिन उनके अंदर जो हाइफा है वो अपना अपना ग्रो कर रहा है, ठीक है। उनके अंदर यानी न्यूक्लियाई है वो अपना अपना उनका ग्रो करता जा रहा है, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं डाइकैरियोट, ठीक है, या डाइकैरियोटिक सेल हम उसे कहते हैं, या फिर हम हेट्रोकैरियोट भी कहते हैं। हेट्रो का क्या मतलब है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अब इस केस में हम देख रहे हैं कि दो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स हैं हाइफा की जो कि ज्वाइन हुई हुई है, तो अब ये क्या है? हेट्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन गया है, या डाइकैरियोटिक, क्योंकि दो न्यूक्लियाई हैं और दो इकट्ठे हुए हुए हैं। अच्छा, इस केस में जो स्पोर्स बनते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हर वैसे तो जितने भी फंजाई की टाइप्स हैं उनमें डिफरेंट तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, और वो स्पोर्स किस तरह के होते हैं, उनके डिफरेंट नाम होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहे होते हैं, उनके एग्जांपल्स अगर हम देखें, हमने कहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स बने हैं इनको हमने कहा है कि इनके डिफरेंट नाम हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेसिडियोस्पोर, या फिर एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और ये जो जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये बन रहे हैं वो भी डिफरेंट होती है, यानी कि अगर पेसिडियोस्पोर्स की हम बात करें तो ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उनको हम कहते हैं पेसिडिया या पेसिडियो कार्प्स भी कहा जाता है। इसी तरह एस्कोस्पोर्स जो हैं, एस्कोस्पोर्स जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं उनको हम कहते हैं एस्काई एस्कोकार्प्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। जिस तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्पोर्स की बात की थी ना, हमने कहा था कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे, इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बन रहे हैं वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो हमने देख लिया। बेसिडिया या बेसिडियो कार्प्स या एस्को कार्प्स, उनके अंदर बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? बेसिडियो स्पोर्स या एस्को स्पोर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप। आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा फंजाई के अंदर। फंजाई के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी मजीद फोर फॉर्म्स हैं जिनको आज हमने देखा। एक है स्पोर्स, फिर कॉनिडिया, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। इन सबको हमने विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जाम्पल्स देखा। यहाँ पे हमने देखा कि स्पोर्स किस तरह से बनते हैं, उसके बाद हमने कॉनिडिया देखा जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉनिडियोफोर्स के अंदर बनते हैं, उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन देखा और फिर हमने बडिंग को देखा। बडिंग की एग्जाम्पल जो है वो यीस्ट है, यीस्ट के अंदर जो है वो बडिंग होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे और हमने देखा कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर स्पोर्स किस तरह से बनते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।